बिजली का पोल चोरी के बाद गिरिडीह में के किसी स्टील प्लांट में खपाने की थी तैयारी। जिस मालवाहन में लदे मिले थे पोल, उसका चालक गिरफ्तार। चाईबासा से दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में इस्तेमाल होने वाले लोहे के बिजली पोल चोरी कर लिए गए थे। इसकी बरामदी को लेकर चाईबासा पुलिस गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से चाईबासा पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र टुंडी रोड में छापेमारी कर 40 बिजली का पोल से लदे माल वाहन को जब्त किया। चाईबासा थाना के एसआई निर्भय गुप्ता गुरुवार को पुलिस की टीम के साथ गिरिडीह पहुंचे थे। चाईबासा पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बिजली के पोल को गिरिडीह के किसी स्टील प्लांट में खपाने की तैयारी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर दोनों थानों की पुलिस ने टुंडी रोड में छापेमारी की और पोल समेत ट्रक को जब्त किया कर लिया गया। पुलिस ने चालक विजय तांती को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी चालक विजय तांती विरहार के बांका जिले के झिकुलिया गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो चोरी होने के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कर रही एजेंसी के ठेकेदार द्वारा चाईबासा के थाना में बिजली पोल के चोरी होने का केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज होने के बाद चाईबासा पुलिस जांच में जुटी। जांच के क्रम में ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर पुलिस गुरुवार को गिरिडीह पहुंची थी, जहां मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इधर गिरफ्तार चालक से चाईबासा पुलिस पूछताछ कर जाने के प्रयास में है कि चालक को गिरिडीह में किस फैक्ट्री में सारे पोल खपाने थे।